बाबा जी के प्रिय सभी भक्तों को मेरा जय सियाराम। जब बाबा लक्ष्मी नारायण बबनिया से फरुखाबाद के लिए ट्रेन से रवाना हुए तो बाबा फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठकर यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान टीटी ने बाबा से यात्रा टिकट मांगा और बाबा के वेशभूषा को देखकर उन्हें बहुत भला बुरा कहा और उसके बाद नज़दीकी रेलवे स्टेशन नेब करोरी में उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद जब गार्ड और ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन चलाने की कोशिश की लेकिन ट्रेन वहां से नहीं हिली। काफी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए। फिर लोगों ने टीटी को सलाह दी कि वो बाबा से माफी मांगे। जब टीटी ने बाबा से माफी मांगी और बाबा को इज्जत से ट्रेन में बिठाया तब जाके ट्रेन वहां से रवाना हो सकी। उसके बाद वहां के लोगों ने बाबा से कहा कि वो गंगा मैया के दर्शन के बाद नीम करोरी में ही रहे। इस वजह से बाबा का नीम करोरी में एक मंदिर और आश्रम है और फिर लक्ष्मी नारायण शर्मा बाद में नीम करोरी बाबा के नाम से मशहूर हुए। जय सियाराम।